भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगला नंबर केजरीवाल का है, ले कर ले, उनका तो मकसद ही है। वो तो अभी कल मैं सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगले चुनाव के पहले ये केजरीवाल को भी गिरफ्तार करेंगे, कर ले। केजरीवाल बहुत छोटी चीज़ है, पूरा देश देख रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी की ईमानदारी के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े होने लग गए हैं, इतने घोटाले अडानी का ये वो, इतने घोटाले के आरोप उन पे लगने लग गए हैं, तो उनको केजरीवाल आंखों ने सुहारा। उनको पूरे देश के अंदर अगर कोई ईमानदारी की बात करता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बात होती है। वो हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, रोज कीचड़ उछाल रहे हैं, तो गिरफ्तार करना चाहते हैं, करें। वो धमकी क्यों दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। इससे तो ये साफ हो जाता है कि ईडी को और सीबीआई को यही चला रहे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है? सीबीआई ने उनको बताया कि उन्होंने सीबीआई को बताया? सीबीआई को बीजेपी चला रही है, जैसा मैं कह रहा था। ये तो साफ जाहिर है, बीजेपी बता रही है उनको कि अगला नंबर केजरीवाल का है, पकड़ लो अब इसको। और सीबीआई पकड़ लेती है, फिर सबूत इकट्ठे करती है कि केजरीवाल को फंसाने के लिए सबूत कहां से है।